नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शाश्वत मॉम पे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो ये जो मैं आपको प्रसाद दिखा रही हूँ ना, ये जितिया का प्रसाद है और ये मेरी मम्मी भिजवाई है मेरे बहन के थ्रू। तो देख सकते हैं आप, अंजना आई हुई है और ये मेरे ऑफिस ही आ गई थी, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर मेरा ऑफिस पड़ता है। तो बहन आने के कारण मैं इसके साथ ही निकल गई थी, जल्दी छुट्टी ले लिया था। और शाश्वत के पापा आए लेट से, तो आप देख सकते हैं कि शाश्वत और शाश्वत पापा आपस में खेल रहे हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो झारखंड और बिहार का जो जितिया का जो पर्व होता है ना, टोटली डिफरेंट होता है। क्योंकि मैं तो झारखंड से हूँ और मेरी जो शादी हुई है वो मतलब बिहार, मतलब बिहारी फैमिली में हुई है। तो मेरे को पूरा डिफरेंट मैं पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हम लोग को झारखंड में होता है जितिया, तो हम लोग मम्मी क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे लिए इतना सारा मम्मी ने मतलब अंकुरित चना भिजवाई। तो मेन प्रसादी हमारा यही अंकुरित चना होता है। मतलब ये आपका जो इसके नहाए खाए होता है ना, मैंने फास्टिंग से एक दिन पहले, तो ये फुला दिया जाता है। और जैसे जिनकी जितनी बड़ी फैमिली हो उतना फुलाते हैं। जैसे कोई 1.25 किलो हो गया, कोई 2.25 किलो हो गया, मतलब फैमिली के हिसाब से खिलाते हैं। और जिस दिन फास्टिंग होता है उसको निकाल के किसी नई टोकरी पे उसको रख दिया जाता है। और फिर तीसरे दिन उस दिन मतलब पारण बोलते हैं, फास्टिंग तोड़ना होता है दिन, उस दिन उसी अंकुरित चना का पूजा किया जाता है और फिर उसी को प्रसाद बनाया जाता है। मतलब उसके आप नमक, लहसुन, प्याज, मिर्चा सारा चीज़ डाल के बना सकते हो। और जिनको भी आपको रिलेटिव को देना हो या प्रसाद, तो वही प्रसाद जाता है। और उस पर क्या होता है कि थोड़ा सा ठेकुआ बन जाता है और ठेकुआ प्रसाद दिया जाता है। और जब मेरी शादी हुई तो मैंने यहाँ सब किया। तो मेरी सासू माँ क्या करती हैं कि यहाँ का जो रिवाज है उसमें मड़वा का रोटी होता है, मड़वा का आटा, उसका रोटी खाना है आपको। और नौनी का एक साग होता है, वो खाना है। और देखिए, मेरी बहन का डिमांड था चाय, तो मैंने उसके लिए अदरक का चाय बनवाया। तो ये अपनी सिस्टर को भी मैंने दिया। तो देखिए, मेरे हस्बैंड भी पी रहे हैं और थोड़ा सा जो पता मतलब चाय बचा वो मैंने ले लिया। मेरी सासू माँ दूध वाला चाय नहीं पीती है, क्योंकि गैस का उनको इश्यू है, तो डॉक्टर ने उनको मना किया है। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ, तो थोड़ा सा क्यों ना सोचा नाश्ता कर लो। तो चाय के साथ मैं ये भाखरा खा रही हूँ। तो ये बिहार का ही पकवान है आपका, ठीक है। और इसको मैं किसी दिन आपको इसकी रेसिपी बता दूँगी, क्योंकि झारखंड में ये नहीं बनता है। मैं जब यहाँ आई ना, तो मेरी सासू माँ ने ही मुझे ये बनाने के लिए सिखाया। तो मैं ये सुबह उठ के बना के गई थी ऑफिस, आज मैं 4 बजे ही उठ गई। और ये देखिए, सासू की बदमाशियाँ देखिए। ये देखिए, ये पूरा चना का जो बैग पे चना है उसे पूरा ले लिया है। और देखिएगा, इसे भी ये फेंक देगा बीच। आप देख सकते हो कि शाश्वत के पापा शाश्वत का पैर टान रहे हैं। और देखिए, वो किस तरह जोर से पकड़ा हुआ है गिरने के डर के कारण कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। तो फाइनली अब मतलब लगभग 7 बजने को जा रहा है, तो मेरी सिस्टर घर जाना चाह रही है। तो देख सकते हो, सासू से थोड़ा वो लाड प्यार लगा ले रही है। और फाइनली वो निकल गई है जाने के, क्योंकि घर जाने में भी लगभग 45 मिनट लगेंगे ही लगेंगे।
तो शाश्वत अपनी मासी को टाटा करने के लिए बाहर तक आया हुआ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग पे, ठीक है, बाय बाय, टाटा।